और एक बड़ी खबर नेपाल के पोखरा से आ रही है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ी घटना हो गई है। यात्री विमान हादसे का शिकार हो गया है और फिलहाल अभी तक 32 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है, 68 यात्री इस विमान में सवार थे और दुर्घटना के पीछे की वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। तो क्रैश विमान जो था वो यति एयरलाइंस का बताया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर, जहां पर नेपाल की जो राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रहा था एक यात्री विमान जो कि क्रैश हो गया और इस विमान में 68 यात्री सवार थे। फिलहाल अभी तक 32 शव बरामद किए जा चुके हैं और आगे फिलहाल वहां पर तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो यति एयरलाइंस है उसके ATR-72 विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी और 72 सीटर इस विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स यानी कि कुल 72 लोग इसमें सवार थे और जैसे ही विमान पोखरा के पास पहुंचा एक पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गया। फिलहाल 32 जो शव हैं वो बरामद कर लिए गए हैं और जानकारी ये भी मिली है कि लगातार वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। ये हादसा, अगर इस हादसे की बात की जाए तो ये 11:10 पर यह हादसा हुआ है। पोखरा घाटी से सेती नदी की खाई में ये विमान गिरा और फिलहाल हादसे की खबर के बाद एयरपोर्ट और एयरलाइंस के साथ साथ सभी जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर आ गई हैं। मौके पर जो नेपाली सेना के साथ साथ रेस्क्यू टीम है उनको तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। तो हादसे के काफ़ी देर बाद मौके से धुएं का गुबार भी वहाँ देखने को मिला। तो एक बड़ी घटना सामने आई है नेपाल के पोखरा से, जहां पर एक यात्री विमान दुर्घटना का शिकार हो गया जिसमें 32 शव बरामद किए जा चुके हैं और आगे लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टीमें वहां पर लगी हुई हैं और जो जानकारी अभी में, क्योंकि सुबह जो था वो 16 शव यहां बरामद किए गए थे, लेकिन अभी जानकारी आई है कि अभी तक 32 शव बरामद कर लिए गए हैं।